को कैरी करते हैं जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेस पे हम पढ़ रहे थे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू तो नहीं आया? अभी का हमारा टॉपिक भी उसी से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सीखना है, तो इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में क्लियर होना चाहिए। द नेट अपेरेंट चार्ज अवेलेबल ऑन एन एनी एटॉमिक स्पीशी इज़ नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी पहले हमने तीन तीन डेफिनेशन डिफरेंट वेज में पढ़ी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वाले से। अभी हम फोकस करेंगे कि हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे असाइन करते हैं? तो उसके लिए रूल्स हैं, ये रूल्स आपने देखने हैं, मे बी आप लोगों की नज़रों से गुजरे हों, ये 9th की केमिस्ट्री की बुक में भी अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट क्रॉसपॉन्ड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम लूजेज गेंस और अपीयर्स टू यूज व्हेन जॉइनिंग विद अदर एटम्स इन ए कंपाउंड। कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये डिफरेंट चीज़ों के कम्बिनेशन से आप लिख सकते हैं, और इसकी अपेरेंस जो है वो किस बेसिस पे होती है, इसमें किसी भी एलिमेंट पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होते हैं उससे रिलीज़ होते हैं, या जो उस पर अपेयर हो रहे होते हैं जिन्होंने जॉइनिंग में जाना होता है, बॉन्डिंग में जाना होता है, इस सारे को कहते हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट। इन डिटरमिनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम देर आर 7 गाइडलाइंस टू फॉलो। 7 रूल्स हैं बेसिकली। अब उन में सबसे पहला है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज़ 0। किसी भी इंडिविजुअल एटम को जब आप कंसिडर करते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 कंसिडर होती है, या इसको इस तरह भी हम काउंट कर सकते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी न्यूट्रल स्पीशी इज़ 0। कोई भी स्पीशी जिस पे कोई चार्ज ना लिखा हो तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ही कंसिडर करेगी। द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन ए न्यूट्रल स्पीशी इज 0 एंड इन एन आयन इज इक्वल टू द आयन चार्ज। और अगर किसी आयन को कंसिडर करेंगे तो वो जितना चार्ज होगा वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के साथ ले कर चलूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जब हम NaCl को ही लिखते हैं, चलें इसी को देख लेते हैं, टेबल सॉल्ट है, तो सोडियम पे चार्ज अमूमी तौर पे कितना आता है? +1, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट जो हैं इन पे +1 चार्ज होता है, और क्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 एलिमेंट से है हैलोजन्स में से, तो इन पे -1 चार्ज होता है। लेकिन अभी जब आप NaCl लिखते हैं तो इस पे कोई चार्ज नहीं लगाते, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो नेट अपेरेंट चार्ज जो है वो 0 है। अभी जो हमें नज़र आ रहा है कोई भी चार्ज हमें नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स दीज आर न्यूट्रल, ये अभी न्यूट्रल हैं। वैसे चार्ज अगर इनको सेपरेट किया जाए तो सेपरेशन में ये यही बनाएंगे कि Na पे चार्ज पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर होगा, और क्लोरीन पे माइनस होने की वजह से आप -1 ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर शो करेंगे। तो न्यूट्रल फॉर्म में जब भी कंपाउंड को आप देखेंगे तो वहाँ पर आप यही बात करेंगे कि न्यूट्रल फॉर्म में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 ही होगा। किसी पॉइंट पे भी इशू हो तो आप लोगों ने पूछ लेना है। तो ये रूल नंबर 2, द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन ए न्यूट्रल स्पीशी इज 0 एंड इन एन आयन इज इक्वल टू द आयन चार्ज। और अगर आयन के केस में कंसिडर करेंगे तो फिर हम आयनिक चार्ज की बेस पे उसे कंसिडर करेंगे, कितना उस पर चार्ज होता है वो आप काउंट कर लेंगे, कि जो उस पर चार्ज होगा तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि
ओ एच को अगर हम कंसिडर करें तो हाइड्रोक्सल पे चार्ज कितना होता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ओ एच को कंसिडर करें तो ओ एच पे चार्ज होता है माइनस, या माइनस वन भी इसे लिखा जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये माइनस ही कंसिडर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज अगर देखें तो ऑक्सीजन पे होता है माइनस टू और हाइड्रोजन पे होता है प्लस वन, और प्लस वन माइनस टू बाकी कितना बचेगा? माइनस वन। तो वन लिखा नहीं जाता है, इसीलिए हाइड्रोक्सल लाइन पे चार्ज जो है वो माइनस कंसिडर किया जाता है। तो ये रूल्स में आपने ये चीज़ देखनी है कि वो नेगेटिव चार्ज जो अपेयर हो रहा है वो असल में है किसकी बेस पे, वो उनकी वैलेंसी पे है, कि जो उनकी वैलेंसी है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे। जिस भी न्यूट्रल स्पीशी पे जो चार्ज आएगा वो उसको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे अगर आयनिक स्पीशी ली है तो आयन पे जो चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट रूल नंबर थ्री, ग्रुप वन मेटल्स हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस वन। ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को क्या कहा जाता है, उन पे चार्ज कितना आता है? प्लस वन। उसमें हाइड्रोजन है, सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये प्लस वन चार्ज कैरी करते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी आप काउंट करेंगे तो फिर इन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस वन। एंड ग्रुप टू एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू, और ग्रुप टू जो है जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है वो कितना चार्ज कैरी करते हैं? प्लस टू। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज माइनस वन इन कंपाउंड। यानी कि अगर फ्लोरीन्स को कंसिडर किया जाए जिनको ग्रुप 17 एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसका एक मेंबर क्लोरीन भी है, जो अभी हमने NaCl जो टेबल साल्ट में हमने स्टडी किया तो वहाँ पे भी मैंने आपको क्या बात की थी कि ग्रुप 17 एलिमेंट जो हैं इन पे चार्ज क्या होता है? माइनस वन। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज माइनस वन, तो फ्लोरीन पहला मेंबर है, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाटाइन। तो ये इन मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है? माइनस वन। रूल नंबर फाइव, हाइड्रोजन जनरली हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस वन इन कंपाउंड। हाइड्रोजन की नॉर्मली तो क्योंकि ग्रुप वन से बिलोंग करता है तो इसलिए नॉर्मली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट किसी एक्सेप्शन में अगर जाएं तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन भी होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन भी कंसिडर की जाती है इन स्पेशल केसेस। तो ये रूल नंबर फाइव था। सिक्स है, जनरली ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास कितनी है? माइनस टू। जनरली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस टू होती है, लेकिन उसमें प्लस वन भी है और प्लस माइनस हाफ भी है, यानी वन बाई टू भी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये डिपेंड करती है ऑन डिफरेंट सिचुएशन, पर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में और नॉर्मल ऑक्साइड में चेंज है। आई एम रिपीटिंग दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल कंडीशन इज माइनस टू, जनरली माइनस टू ही है, लेकिन इन स्पेशल केसेस वो माइनस टू प्लस टू भी है और सॉरी प्लस वन भी है और प्लस माइनस हाफ भी है। ये सुपर और पर ऑक्साइड में ऐसा होता है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो है उन पे माइनस टू होता है और ग्रुप 15 एलिमेंट पे माइनस थ्री होता है। ये स्पेशल केसेस हैं उसमें। और आखिरी रूल, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू जीरो फॉर ए न्यूट्रल कंपाउंड एंड इक्वल टू चार्ज फॉर ए पॉलीएटॉमिक आयनिक स्पीशीज। ये अब आपके पास ये रूल्स कुछ लिखे हुए हैं और एक्सेप्शंस भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे उसने देखें, ग्रुप वन मेटल्स जो हैं इन पे ऑलवेज प्लस वन चार्ज होता है, ग्रुप टू मेटल्स जो हैं इन पे प्लस टू चार्ज होता है, ऑक्सीजन जो है इस पे माइनस टू होता है नॉर्मल कंडीशन में, एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में वो डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन जो है वो उस पर प्लस वन होता है, लेकिन कभी कभी माइनस वन भी होता है।
फ्लोरीन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में क्या आता है, वो -1 ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएं, ये जो रूल्स के हद तक है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। ओके अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये H2SO4, इसमें मैं कहता हूँ फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। क्वेश्चन है फाइंड द जी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। देखें H2SO4 पे कोई चार्ज है, आपको कोई नजर आ रहा है चार्ज? तो जब एक रूल हमने ये पढ़ा है कि व्हेन देयर इज नो चार्ज द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, तो एक तो हमें चीज पता चल गई कि ओवरऑल इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो 0 है। अब देखें हाइड्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 एलिमेंट से, ग्रुप 1 जो है उनमें से, तो इस पे चार्ज क्या होता है, नॉर्मली इस पे चार्ज होता है +1, तो कितने हाइड्रोजन है, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आगे प्लस करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने नहीं पता, ये हमने मालूम करना है, सल्फर को उसी तरह लिख दिया। ऑक्सीजन का नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -2, कितना चार्ज होता है, -2, तो 4 2 टाइम्स 8, तो ये आपके पास -8 आ गया और ये इक्वल है 0। अब 2 1s are 2, आगे सल्फर उसी तरह आएगा, प्लस माइनस आपस पे मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है, माइनस, और 8 उसी तरह आएगा और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो फिर सल्फर इधर ही रहे, 8 उस साइड पे चला जाए, इधर आके ये +8 हो जाएगा और 2 जो है वो -2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, सिक्स। अब अगर आप सल्फर की जगह पे 6 पुट करें और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वल की दोनों साइड्स पे आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली कंसिडर करते हैं तमाम एटम्स की, इन्हें न्यूट्रल कंपाउंड, तो फिर वो उनकी ऑक्सीडेशन का सम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल ही आएगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप इसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले। नेक्स्ट हमारा पोर्शन जो है उसकी तरफ पढ़ते हैं फिर। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ रिएक्शंस हैं, उनकी एग्जांपल्स थी, अब वो चलें, अब आपको रूल्स भी क्लियर हो गए तो अब आपको ज़रा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो आपको अब आइडिया हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन के चेंज होने से भी। बाकी एग्जाम्पल उसी तरह हैं जो हमने पहले जिन चीज़ों को देखा था कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट अल्टरेशन में जाती हैं, बढ़ती हैं कम होती हैं, वो सारे के साथ हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ा था। जी अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन। आप में से कोई जानता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? जी जी बेटा, आप लोगों ने फील्ड में इतना अच्छा काम किया हुआ है, अभी भी काम कर रहे हैं, तो आप में से किसी को पता है कि क्या होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इतने इतने महान लोग हैं आप लोग, इतना अरसा आप लोगों ने जॉब की हुई है, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? किसकी पावर डबल हो जाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सबसे पहले इसकी लोकेशन है। इट इज़ आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी चेन दैट इज लोकेटेड इन द साइटो प्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट इज़ लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको ज़ाहिर है बेसिक बायोलॉजी का इलम होगा, मैं उतनी डीप में नहीं जाता, बेस में नहीं जाता, आप लोग ये चीज़ें देख लीजिएगा कि ये क्या है, क्योंकि अगर मैं ये इन इसी पेज को मैं समझाने लग जाऊँ तो शायद क्लास का टाइम इसी पे ख़त्म हो जाएगा, कि मैं इसमें आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह समझाने लग जाऊँ। बस ये देखिएगा कि इनकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज़ आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी चेन। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स वाया रिडॉक्स रिएक्शन। कि असल में ये ट्रांसपोर्ट चेन है क्या? ये सीरीज है। सीरीज किसकी है? प्रोटीन्स की। प्रोटीन का एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि प्रोटीन्स है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हुए हैं, जिनको अमाइनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। इन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइंट थ्रू एक पेप्टाइड बॉन्ड दे फॉर्म है वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सादा लफ्ज़ों में ये कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं उनसे इलेक्ट्रॉन लेके जिनको इलेक्ट्रॉन देने हैं उनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो ट्रांसफ़र होगी इलेक्ट्रॉन की वो थ्रू दीज प्रोटीन चेन्स होगी। तो इस चेन को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जाहिर सी बात है कि जिस स्पीशी से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे उस पर ऑक्सीडेशन होगी, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उस पर रिडक्शन होगी, और ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगी, एक ही टाइम पे होंगी। एंड कपल्स दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद द इलेक्ट्रॉन विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को एच पॉजिटिव आयंस भी कहा जाता है, अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन की ट्रांसफर को भी इंगेज करती है इस सारे टाइम में, उसको भी इसके साथ लेके चलती है। इनके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी और ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी इसके साथ कपल करेगी, मिला के लेके चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से बात समझ आ गई है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत स्लो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है क्लास में, तो अगर आपको नहीं समझ आती तो आप बता दिया करें, हम उसको किसी और वे में डील कर लिया करेंगे, लेकिन कम से कम ये तो फील हो कि आप लोगों को समझ है या नहीं है। बताएंगे तो फिर ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग पिक कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पिक कर रहे तो फिर मुझे बताएं, मैं इससे भी डाउन लेवल पे आके आप लोगों के साथ खेला करूं। अच्छा,
फिर आगे वही बात उसने रिपीट की है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज बिल्ड अप ऑफ पेप्टाइड्स एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज पेप्टाइड? पेप्टाइड क्या होता है जी? पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना सर, जो न्यूक्लिक एसिड के दरमियान में होता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए। ओके शाबाश। व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड दे फॉर्म अ प्रोटीन। हम कोई एक पेप्टाइड बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। पहले मैं अमीनो एसिड एक लिखता हूँ, RCH NH2, इनके बॉन्ड COOH, ये आपके पास है अमीनो एसिड। एक मॉलिक्यूल हो गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ करता हूँ, HNH CH R, और साथ में COOH। अब इसमें हो गया क्या, विद द एलिमिनेशन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल, वेन एवर ए कंडेंसेशन टेक्स प्लेस देयर इज एलिमिनेशन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल इज आल्सो टेक प्लेस एंड इन दिस टाइम वाटर मॉलिक्यूल लीव द सिस्टम। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टम में से निकल जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, R CH NH2, आगे COO, आगे NH CH R COOH। ये बॉन्ड जिसको ये मैंने अभी सर्कल किया है, ये जो लिंकेज है इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अगर सिंपल प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो जो पेप्टाइड लिंकेज आता है वो आपके पास ये बनता है। इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही होती है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनके थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है। अब क्लियर हो गया कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और किन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में। यस सर। अब ये चीज़ आपने उसको ज़ाहिर है उसके साथ कपल करना है कि जिस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन देने हैं उस पर ऑक्सीडेशन और जिस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं उस पर रिडक्शन होगी। एक आपके पास कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप लोगों के लिए मतलब डिफ़िकल्ट होंगी समझने के लिए, जिसमें ADP है, उसके बाद ATP है, फिर NADH है, NADPH भी आएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है जो आप इनको अगर आप देखना चाहेंगे गूगल से भी देखना चाहेंगे तो आप देख लेंगे। तो ये असल में इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और साथ साथ प्रोटॉन ट्रांसफ़र भी हो रही है। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स हैं, जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे हमें ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। ATP एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ADP एडीनोसिन डाईफॉस्फेट, ये टर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये एनर्जी करेंसी है, किसी भी सिस्टम के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हम इनको साथ साथ पिक करते जाएंगे कि किस तरह से हम ये सीखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें समझ आएंगी। असल में ये साइकिल जो हैं जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, या इसके लेवल के आपने कुछ साइकिल पढ़े होंगे, क्रब साइकिल या कैल्वन साइकिल, ये असल इनका काम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है जो जिससे ATP जनरेट किए जा सके।
एटीपी क्या है? एडीनोसिन ट्राईफास्फेट, दैट इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी। किसी भी बॉडी की एनर्जी करेंसी जो होती है वो आपके पास एटीपी होती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस का काम क्या है कि एटीपी की जनरेशन में हेल्प करना। ये भी आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी। मैं इन चीज़ों को इसलिए लाइटली ले रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि आप एक बार इस चीज़ों को एक बार रीड कर लें, क्योंकि आपने ये वैसे तो आपके पास थी पावर पॉइंट, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को इतना डीपली नहीं देखा होगा। पहले ही वही पोर्शन किया होगा जो हमने लास्ट वीक पे किया था। तो इस वीक में हमारी एक क्लास और इंगेज होनी है। अगर आप लोग आज के दिन ये स्टडी कर लेते हैं और कल मुझे इसी टाइम पे हम क्लास ले लें, तो क्या ख्याल है आपका? हम क्लास कल इसी टाइम पर अरेंज कर लें, ताकि इन चीज़ों को अभी बजाय इसके कि फिर फ्राइडे तक तो ये चीज़ें भूल भी जाएंगे, आप लोगों ने करनी भी नहीं है। तो आज अगर आप इन चीज़ों को देख लें तो कल हम कोशिश करके, तो कल इस क्लास, क्योंकि एक मैनेज तो करनी है, लास्ट वीक की एक क्लास मिस हुई है हमसे, उसको मैनेज तो करना है। तो कल इसी टाइम पे 3:30 पे ही हम इसको अरेंज कर लें। तो कल हमारा दूसरा टेस्ट है, नर्सिंग रिसर्च का दूसरा टेस्ट है, लेक्चर होता है कल मैंने वही नहीं आपका कल शाम कल को। हाँ ट्यूसडे के एक ही लेक्चर होता है ना आपका? जी, सर एक ही है। हाँ, तो वो हम उन सर से रिक्वेस्ट कर लूँगा ना। मैं मुकद्दस को कहते हैं ना, मुकद्दस कर लेगी रिक्वेस्ट, तो हम इतने ही टाइम पे 3:30 पे ही क्लास रख लेते हैं। ठीक हो गया सर, नो इशू। तो इन चीज़ों को ना आप थोड़ा सा, क्योंकि अब आप बिल्कुल ज़ीरो हो के जब इस पे चलेंगे तो फिर तो इशू हो जाएगा कि मैं इतनी सारी चीज़ें तो नहीं लेके चल सकता। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, थोड़ा आप लोगों को टाइम और चाहिए, आप फ्राइडे तक इसे स्मूथली पढ़ लें, तो हमने लेक्चर तो लेना है इस वीक में, दूसरा लेक्चर तो लेना ही लेना है। तो हमने कवर करना है इसको, सिलेबस हमारा थोड़ा स्लो जा रहा है। सर अगर आज ही करना है तो हम कर लेंगे, अदरवाइज अगर फ्राइडे तक छोड़ा तो किसी ने भी नहीं पढ़ना। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कल अगर आप इन चीज़ों को देख लेना तो हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं